गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हेयर इज एकता मैम विद टू डेज लेक्चर सो जैसे कि वजह आपको पता हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व कर रहे थे स्मॉल ऑन्टरप्राइज इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल ऑन्टरप्राइज इम्पॉटेंस कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से आ, हुई है और क्या क्या स्मॉल ऑन्टरप्राइज ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तो फर्स्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है हाइर पॉवर्टी एलिवेशन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट मोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल इक्वटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोबलाइजेशन ऑफ ऑन्टरपिनोरल स्किल एंड लास्ट वी हैव प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सब इम्पोर्टेंट्स को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्टली वी डिस्कस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्मॉल एंटरप्राइज जो है छोटे छोटे बिजनेस ऑपरेट करके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो देते ही हैं साथ ही साथ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को जो भी अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं स्किल्ड वर्कर्स हैं हम उनको हायर करके एज अ लेबर इंटेंसिव हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है uh, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं तो वो भी इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न करके खुद की भी ग्रोथ कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न कर सकते हैं स्मॉल ऑन्टरप्राइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेकेंड वी हैव हायर प्रोडक्टिविटी छोटे छोटे बिजनेस ऑपरेट करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करके अपने कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं सो नेक्स्ट भी है पॉवर्टी एलिवेशन जैसे कि इसमें कहा गया है कि एस एस सी कॉन्ट्रीब्यूट इन माइग्रेटिंग पॉवर्टी बाई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ एस एस सी क्रिएट्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड आर फोकस्ड ऑन यूटिलाइजिंग द्रेडिशनल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ़ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद एडवास टेक्नोलॉजीज़ कैपिटल एंड इनोवेटिव मार्केटिंग प्रैक्टिसज़ इसमें कहा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं एम्प्लॉयमेंट की उन्हें एम्प्लॉयड करने के लिए जो भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं या अनएम्प्लॉयड स्किल्ड लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपना पार्ट जो है प्ले करती है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम उन्हें उनके स्किल्स को उनकी नॉलेज को और ग्रूम करके उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्ली नॉलेज दे के इनोवेटिव तरीके से उन्हें कुछ इनोवेशन सिखा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट uh, एक ग्रोथ दे पाए ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अडॉप्ट करके अपना खुद का इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न कर सके बिजनेस ऑपरेट करके सो नेक्स्ट वी हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एस एस सी मेक्स द एफिशिएंट यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज दिस यूनिट्स आर यूजअली फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एज़ एस एस सी आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर दे मेक द एफिशेंट यूज़ ऑफ़ लेबर इसमें कहा गया है कि प्रॉपरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जितना छोटा दायरा होगा हम उतना ही ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने बिजनेस uh, के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लेबर से भी एफिशेंटली उनसे काम ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे कि हमारा मेन हमारा गोल क्या है हमने अचीव क्या करना है और एकॉर्डिंग टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमें डिमांड uh, भी उतने ही हिसाब से आपसे आएगी तो हम जो है डिमांड ईजली फुलफ़िल कर पाएंगे लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट वी हैव सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट इसमें होता है कि आप जो है खुद को एक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो इंडिपेंडेंटली कैसे आप जो है ख़ुद का बिजनेस ऑपरेट करके इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न कर सकते हो और खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वी हैव लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट छोटा बिजनेस है डेफ़िनेटली आपको पैसा जो है कम रिक्वायरमेंट uh, उसकी होगी पैसे की फाइनेंस की तो आप अगर बड़ा बिजनेस अडॉप्ट करते हो जहाँ ऑपरेट करते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा पैसा काफ़ी कैपिटल वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है बट अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हो तो आपको कम पैसा जो है लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा सो नेक्स्ट वी हैव मोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज मोबलाइज द सेविंग फ्रॉम रूरल एरियाज इसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबलाइज कर सकते हैं कैपिटल ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं मनी uh, जो भी रूरल और अर्बन एरियाज में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के उन्हें सिखा के उन्हें आगे हायर करके उनसे काम लेके हम अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट गन कर सकते हैं सो नेक्स्ट वी हैव इक्वटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसमें क्या होता है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एक बेनिफिट ये भी होता है ये भी एक इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एंटर करते हो छोटा बिजनेस ऑपरेट करते हो तो डेफ़िनेटली आप जितने भी वर्कर्स होंगे दस या पचास या दस या बीस कोई भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होंगे तो आप इक्वली अपनी इनकम डिवाइड करते हो उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट uh, नहीं होता आप इक्वली अपनी इनकम या इक्वली अपना प्रॉफिट जो है डिवाइड uh, करते हो इन वर्कर्स और एम्प्लॉयज Next नेक्स्ट वी हैव मोबलॉजेशन ऑफ ऑन्टनोरल स्किल हम छोटे छोटे बिजनेस ऑपरेट करके काफ़ी सारी खुद की ग्रोथ भी करते हैं ग्रूमिंग करते हैं खुद के टैलेंट टैलेंट को जान पाते हैं खुद की कैपेबिलिटी को जान पाते हैं कि हम किस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हैं तो इसमें जो है हमारे स्किल्स एनहेंस होते हैं खुद की नॉलेज एनहेंस होती है जब हम छोटे बिजनेस ऑपरेट करके इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न करते हैं Last importance we have provides opportunity for development of technology. इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली uh, हम अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट करते हैं छोटे बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो हमें हमारी कैपेसिटी जो है ज़्यादा जनरेट होगी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं क्रिएटिविटी क्या दिखा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस की तो डेफिनेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है स्लो uh, प्रोसेस में खुद की uh, करेगा डेवलपमेंट करेगा और न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके uh, खुद की ग्रूमिंग और साथ ही साथ अपने बिजनेस की भी ग्रूमिंग करेगा सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज फर्स्ट इसमें मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज फर्स्ट इसमें पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी छोटे छोटे बिजनेस में हम क्या करते हैं कभी कभी हम लैक ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस कर देते हैं या फिर हम डिपेंडेंस हो जाते हैं मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स पे तो इसमें क्या होता है कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अगर ज़्यादा हो जाती है तो डेफ़िनेटली छोटे छोटे बिजनेस जो है जो भी ऑपरेट होते हैं वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड होता है कि मशीन्स जो भी मशीन्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज़ जो भी यूज़ की जाती हैं वो अप टू ग्रेड होती हैं बट स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में हम इतना ध्यान नहीं देते कि कोई भी मशीन्स जो है ब्रांडेड हो या कोई भी ऐसा वर्कर जो है ज़्यादा स्किल्ड हो इतना ज़्यादा हम ये नहीं फोकस करते कि हमारा वर्कर कोई भी लैक ऑफ स्किल्ड तो नहीं है छोटे छोटे बिजनेस में हम किसी को भी हायर कर लेते हैं तो पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी अगर हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ, होती है तो डेफिनेटली एक छोटे बिजनेस को लॉस भी हो सकता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है स्मॉल एंटरप्राइज में नेक्स्ट इसमें पुअर सेल्स प्रमोशन डेफ़िनेटली अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन एडवर्टाइजिंग मैगज़ीन्स न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ प्रमोशन तो इसमें आ, बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है कि हम प्रमोशन का यूज़ करते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हमने अभी डिस्कस किया कि हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं न्यूज़पेपर में ट्रेड मैगज़ीन्स पे तो हम कैश डिस्काउंट या कैलेंडर गिफ्ट आर्टिकल्स में हम आ, अपने प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो बड़े बड़े बिजनेस जो है उनकी हेल्प लेके अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि uh, अपना प्रोडक्ट जो है ना प्रमोशन करने के कारण उनकी सेल्स uh, जो है बहुत कम होती है नेक्स्ट वी हैव स्केल ऑफ प्रोडक्शन इसमें होता है कि हम क्या करते हैं यूजुअली uh, हम अपना जो प्रोडक्शन लेवल है डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिल कभी कभी नहीं कर पाते बट लार्ज स्केल में ऐसा होता है कि वहाँ वो मशीनरीज से काम डायरेक्टली लेते हैं तो वो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपने प्रोडक्ट जो है निकालते हैं और डिमांड को ईज़ली जो है फुलफ़िल कर सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं अपनी वेयर हाउसिंग uh, का uh, यूज़ करके प्रोडक्ट जो है स्टोर कर लेती है बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं करती वो इमिडेटली जो भी डिमांड आती है उसको उसी टाइम फुलफ़िल करती है बट कभी कभी इमिडिएटली फुलफ़िल करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि आप कभी कभी इमिडिएटली अपना प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाते नेक्स्ट इसमें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेस जो भी ऑपरेट किए गए होते हैं उसमें अप टू डेट जो भी इंफॉर्मेशन होती है मार्केट के रिगार्डिंग वो ऑन्ट्रीनर को नहीं होती तो पर्टिकुलरली प्रॉपर नॉलेज नहीं होती मार्केटिंग की आपने कैसे प्रॉपरली मार्केटिंग uh, करके अपने एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा जनरेट करने हैं और कस्टमर कैसे आपने क्रिएट करने हैं सो नेक्स्ट इज में लैक ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेफ़िनेटली अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज है मार्केटिंग की तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होगी अडॉप्ट करने के लिए कि आप इतने एडुकेट रिसोर्स यूज़ करके आप अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करें क्वालिटी इंक्रीज करें क्वांटिटी इंक्रीज़ करें ब्रांड वाइज इंक्रीज़ करें डिज़ाइन पैकेजिंग वाइज नेक्स्ट इसमें एबसेंस ऑफ सिचुएबल मार्केटिंग चैलेंज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में uh, जो भी चैनल्स होते हैं जैसे कि होल सेलर रिटेलर एजेंट्स डायरेक्ट सेलर सेलिंग एजेंट्स तो इन सब की कमी होने के कारण आपका जो फाइनल uh, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन uh, होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो कस्टमर uh, तक नहीं पहुंच पाता एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कोई भी कस्टमर अगर आपकी बिजनेस uh, आपके शॉप पे आता है तो वहीं आपकी चीज़ जो है ख़रीद पाता है Uh, क्यों क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन uh, चैनल्स जो हैं इनकी इन्वॉलमेंट नहीं होती जो कि होल रिटेलर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से सामान लेके डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर तक सेकेंड है इसमें प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फर्स्ट इसमें मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी शेड्यूल जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है यूज करती हैं होलसेलर रिटेलर का तो वो टाइम से अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाती हैं बट स्मॉल स्केल में ऐसा नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ नहीं किया जाता इसमें जो है अगर कोई कस्टमर आपके डायरेक्टली आपकी शॉप्स पर आता है तो वो तभी ही सामान खरीद पाएगा अदरवाइज़ वो उस तक सही टाइम पर सही जगह पर उस तक सामान नहीं पहुँचता क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कभी कभी यूज़ नहीं करते सेकेंड इसमें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो हमारा यही होता है कि हमें इतना रॉ मटेरियल नहीं इतने रॉ मटेरियल की नहीं नीड पड़ेगी बट कभी कभी हमारी डिमांड जब बढ़ जाती है तो हमें रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में जितनी हमारे हमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें रॉ मटीरियल इकट्ठा करने में सो नेक्स्ट वी हैव इग्नोरेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन्टरप्रिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैक्सिम क्या होता है कि इग्नोरेंस uh, इग्नोरेंट किया जाता है साइंटिफिक मैथड्स को जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट करनी होती है uh, इसमें जो है स्मॉल स्केल में चीप क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की इसमें हाई कॉस्ट uh, लगाई जाती है प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट तो इसमें क्या होता है कि जब हम साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन नहीं फॉलो करते तो हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते तो हम मैक्सिमम जो है अपना प्रोडक्शन लेवल की क्वालिटी क्वांटिटी साइज़ पैकेजिंग डिजाइन जो है इसको इम्प्रूवड नहीं कर पाते अगर हम साइंटिफिक मेथड हम यूज़ नहीं करते ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेक्स्ट इज मी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें क्या होता है कि मेनी ऑन्टरप्रिनर फेस द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ दिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉर्मली द कैपेसिटी यूटिलाइज वेरीज फ्रॉम फिफ्टी टू एटी परसेंट वन ऑफ मेन कॉन्स्टेंट इन फुली यूटिलाइजिंग द इंस्टॉल्ड कैपैसिटीज़ इन एडिकुएट एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स इसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी में कहता है कि ऑनटरप्रिनर uh, जो हैं uh, कभी कभी अनेबल होते हैं मार्केट के अंदर जो भी उनकी डिमांड होती है उन उस uh, उस डिमांड के हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं कर पाते मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज इसमें क्या होता है कि हम डिमांड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते उसके साथ साथ ही हम जो है लेबर्स काफ़ी सारी लेबर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं जिसमें हम इनफिशेंटली वर्किंग करते हैं वर्कर्स जो है इनएफिशेंट काम करते हैं हम उन्हें मोटिवेट प्रॉपरली नहीं कर पाते अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी में और इसमें शॉर्टेज ऑफ एरिया के कारण भी ऑन्टरप्रिनर जो है प्रॉपरली फुल यूटिलाइज नहीं कर पाता अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को नेक्स्ट इसमें इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट इट टाइम पुट्स इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन इनपुट फॉर विच माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड। देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अरेंज सब्सटीट्यूट ड्यू टू कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इसमें क्या होता है कि आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है इसमें इम्पोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि आप जो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हैं टाइम पे नहीं चीज़ किसी भी डिमांड को फुलफ़िल कर सकती तो उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि एक्सपर्टाइज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में नहीं होते फाइनेंस की काफ़ी इसमें कमी होती है क्योंकि शॉर्ट फाइनेंस जो है कम फाइनेंस जो है इसमें आ, नीड होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम रिलेट टू फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ़ कैपिटल एंड क्रेडिट इसमें जो है फाइनेंस के रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि छोटा बिजनेस है इसमें कम पैसा आ, ही यूज़ किया जाता है बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमिडिएटली कोई डिमांड आ गई है तो आपने उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है उसके लिए भी फाइनेंस की नीड पड़ती है अगर आपने कहीं से लोन लेना है तो आपको जो है कमर्शियल बैंक जो हैं Uh, कभी कभी ऐसा होता है कि uh, उस पर लोन्स पे काफ़ी इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी ज़्यादा जो कि आप uh, नहीं पे कर सकते बैंक को क्योंकि आपका छोटा बिजनेस है उसके कारण आपको uh, कभी कभी लॉस पे भी जाना पड़ता है आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता है एज़ कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो फाइनेंस को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं छोटे बिजनेस को नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोक्योरिंग वर्किंग कैपिटल इसमें क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल जो भी आपके डे टू डे नीड्स होती हैं उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स uh, क्रिएट होती हैं जैसे कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए प्लांट एंड मशीनरी या आपने कंस्ट्रक्शन करनी है किसी इंडस्ट्रियल शेड्स की तो इसमें डे टू डे रूटीन में जो भी आपके काम होते हैं जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस एक्टिविटीज़ में उसमें भी आपको फाइनेंस की नीड पड़ती है प्लांट एंड मशीनरी हायर करनी हो तो उसमें डेफिनेटली uh, पैसे की ज़रूरत पड़ती नेक्स्ट इसमें में इन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसमें होता है कि एवरी मोड ऑफ रेजिंग फाइनेंस हैज अ डिफरेंट कॉस्ट एंड एन ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स फ्यूचर रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट इज डिजायरेबल इन स्मॉल यूनिट द यूजुअल कोर्स ऑफ सिकनेस इज ड्यू टू अंडर कैपिटलाइजेशन इन अप्रोप्रिएट फाइनेंस मेक्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनी फर्स्ट जनरेशन स्मॉल स्केटरप्रिनोर लैक नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट दे नीड टू बी गाइडेड ट्रेनड एंड एजुकेटेड इनअप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आप प्रॉपरली फाइनेंस को मैनेज uh, नहीं कर पाते uh, आपको इतनी गाइडेंस नहीं होती स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप वेल ट्रेन नहीं होते वेल well एजुकेटेड नहीं होते छोटे छोटे बिजनेस जो भी ऑपरेट किए होते हैं तो डेफिनेटली जो है आप फाइनेंस का एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर uh, नहीं बना पाते तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि इनअप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होने के कारण काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होती है फाइनेंस को लेके बिज़नेस uh, के अंदर नेक्स्ट इसमें हर्डल्स इन गेटिंग लोन सेक्शन डेफ़िनेटली छोटा बिजनेस है तो आपको लोन सेक्शन होना बहुत आ, मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास भी इतना आ, नहीं होता कि आपके पास इतनी शॉर्टी नहीं होती कि केस हम फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट गेन करते हैं या हम उस प्रॉफिट से कोई अपना लोन जो है आ, उसको चुका पाएंगे इंटरेस्ट पे कर पाएंगे टाइम टाइम के अकॉर्डिंग तो इसमें भी काफ़ी सारे जो है फीचर्स बताए गए हैं जैसे कि इन्होंने बताया पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑनटरप्र छोटा बिजनेस ऑपरेट किया गया है तो डेफिनेटली छोटे बिजनेस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती एजुकेशन की बट अगर आ, वेल एजुकेटेड है कोई ऑन्टरप्रिन तो उसको आ, लोन जो है इजली सेंक्शन हो जाएगा बट एक्सपीरियंस जैसे कि इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है तभी उसको लोन सेक्शन होता है फिफ्थ वी हैव रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम फाइनेंस uh, की प्रॉपरली uh, प्लान नहीं करते कैसे हमने फाइनेंस जो है मैनेज करना है इन केस हमें फ़्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए सेफ जिससे जिसको हम यूज़ करके वहाँ उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें तो फाइनेंस के रिगार्डिंग भी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इन फ़्यूचर हमें किसी चीज़ ज़रूरत ना की ज़रूरत का पड़ जाए रॉ मटेरियल की मशीनरीज इक्विपमेंट टूल्स की तो उसी हिसाब से हमने अपना पैसा जो है सेव करके रखना है और प्रॉपर प्लानिंग करनी है फाइनेंस की तो रॉन्ग अगर हम प्लानिंग करेंगे हमारे डिसीजंस जो हैं प्रॉपरली एनालिस्ड नहीं होंगे सर्वे के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें फाइनेंस के रिगार्डिंग फेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट इसमें इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फ़ंड हमें लिमिटेड फ़ंड ही यूज़ करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम अपने फाइनेंस की बिना सोचे सम, आ, समझे इन्वेस्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करने के करने के रिगार्डिंग हम हम कोई भी डिसीजन्स जो है गलत ले लेते हैं तो वहाँ भी हमारा जो है फंड फंड जो है वेस्टेज जाएगा तो डेफिनेटली उसमें भी हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास स्किल्ड कंसल्टेंट क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियर्स प्रोफेशनल मैनेजर्स की कमी है स्किल्ड वर्कर की कमी है तो डेफ़िनेटली जो है हम एक वाइबिलिटी नहीं बना सकते बिज़नेस के अंदर प्रॉपरली हम स्मूदली रन नहीं कर सकते एक मैन पावर की एक टीम वर्क की बहुत नीड पड़ती है बिज़नेस के अंदर क्योंकि हमने प्रॉपरली यूज़ करके आ, रिसोर्सिस का हमने स्मूथली अपने बिज़नेस के अंदर चलना होता है और प्रॉफ़िट गेन करना होता है नेक्स्ट है इसमें लेबर प्रॉब्लम लेबर प्रॉब्लम तब आती है जब लेबर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है जैसे कि हाई वेज रेट हो गया इनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन हो गया वर्क स्टॉपेज होगी ट्रेनिंग कॉस्ट होगी यूनियन सेशन होगी इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी लेबर प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती हैं इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ uh, होता है वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का डेट्रीशन ऑफ क्वालिटी होती है तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हम एक स्टेबिलिटी नहीं बना पाते बिजनेस के अंदर एक डिस्टरबेंस जो है क्रिएट रहती है जिससे हम वर्कर्स uh, का स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग जो है उनका भी लो रहता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होता है लास्ट इसमें अदर प्रॉब्लम्स फर्स्ट इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके भी एक एडवांसमेंट लानी है उसके रिगार्डिंग भी हमें एक डिसीजंस बनाने पड़ेंगे तभी हम प्रोडक्ट जो है एनहैंस कर पाएंगे इसमें है कि हम अगर टेक्नोलॉजी अप टू ग्रेड जो है यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ऑनटरप्रिन जो है कुछ चेंजेस जो है डेवलप्ड कर पाएगा uh, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें नेक्स्ट uh, है लैंड एंड बिल्डिंग अगर हमारे पास इतना अच्छा एरिया या लैंड एंड बिल्डिंग जो है अच्छी होगी रेंटेड नहीं होगी तो डेफिनेटली हम जो है प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ कर पाएंगे साथ ही साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज भी क्रिएट कर केसेस में ऐसा होता है कि ऑनटरप्रीनर जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है रेंट uh, पे लेते हैं तो उसका मंथली आपको या ईयरली आपको उसका रेंट देना पड़ता है अगर आपकी अपनी खुद की लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो आप जो है स्मूदली अपना बिजनेस चला पाओगे उसमें रेंट का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा या आपको पैसा मंथली या ईयरली आपको नहीं देना पड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा एडवेंटेज है अगर आपके पास खुद का लैंड एंड बिल्डिंग है अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर है चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज uh, है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है तभी हम uh, अच्छे से अपना बिजनेस चला पाएंगे जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन टेलीग्राफ टेलीफोन्स टेली बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस साइंस टेक्नोलॉजी सोशल ओवरहेड्स हेल्थ हाइजीन एजुकेशन ये सब चीज़ें होंगी तो हम अच्छे से अपना बिजनेस चला पाएंगे नेक्स्ट इसमें लाइसेंस सिस्टम अगर आप अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस का लाइसेंस भी आपके पास लीगली होना चाहिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के अंडर तभी आप अपना बिजनेस जो है इज़ली चला पाओगे अदरवाइज़ वो लीगली नहीं होगा आप पे कोई एक्शन भी हो सकता है नेक्स्ट इज में मैनेजीरियल इन एडुकेस इसमें अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते कंट्रोलिंग नहीं करते प्लानिंग नहीं करते स्ट्रेटजीज नहीं बनाते जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं एक मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज फर्स्ट इज में माइक्रो एंटरप्राइज डू नॉट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी छोटे बिजनेस इसमें बताया गया है कि आ, रिक्वायर उनको नहीं होती रिक्वायरमेंट नहीं होती हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज का सेकेंड में कहता है कि इसमें जर्नली जो है आप लेबर इंटेंसिव ही वर्कर से ही काम लेते हो इसमें बड़े लार्ज अमाउंट में आपको कैपिटल की नीड नहीं पड़ती जैसे कि मशीनरीज इक्विपमेंट टूल्स ये सब चीज़ें हायर करने के लिए नेक्स्ट इसमें माइक्रो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन इन अ शॉर्ट पीरियड एनहेंस कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बहुत इन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे बिजनेस होते हैं इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके प्रोजेक्ट जो हैं जो भी ये फ्रेमवर्क बनाते हैं प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि एक ऑन्टरप्रनोर को डायरेक्ट करता है कि आपने क्या गोल जो है अचीव करना है कैसे खुद को फॉलो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे के अपने बिजनेस के अंदर चलना है तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग रन के लिए दोनों ही चल जाएंगे स्मॉल एंटरप्राइज में नेक्स्ट इसमें माइक्रो एंटरप्राइज कैन बी बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ लोकली प्रोड्यूसड रॉ मटेरियल इसमें जो भी छोटे बिजनेस हैं वो लोकली रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं अगर लार्ज स्केल की बात करें तो वहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट इसमें इट इज़ पॉसिबल बोथ टू सेव एंड टू अर्न फॉरन एक्सचेंज बाय प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स प्रोसेस फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज इसमें आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज तो डेफिनेटली उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट वे हैव इसमें क्या होता है कि एक ऑनटरप्रीनोर जो है खुद के डिसीजनस लेके इंडिपेंडेंटली पैसा अर्न कर सकते हैं और ये छोटे बिजनेस जो है एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह होते हैं ऑन्टरप्रिन के लिए जहाँ वो खुद की डेवलपमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें माइक्रो एंटरप्राइज कैन ब्रिंग अबाउट अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच इज़ नेसेसरी एंड डिजायरेबल इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेस जो भी ऑपरेट किए जाते हैं इसमें इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि uh, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है हम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन लेवल उनके अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं उन्हें प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं और खुद भी पैसा गेन करते हैं नेक्स्ट इसमें स्मॉल स्केल ऑन्टरप्राइज हेल्प टू क्रिएट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन सोसाइटी बाय डिफ्यूजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड बाय चेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ मोनोप्लीस छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं डेफिनेटली एक चीप प्राइजेस में प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराते हैं एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं पैसे को लेके सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज विल क्रिएट जॉब्स इन रूरल एरियाज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आर हाई इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बिज़नेस जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं स्किल्ड वर्कर्स होते हैं लास्ट वी हैव माइक्रो एंटरप्राइज़ हैव अ शॉर्ट रजिस्ट्रेशन पीरियड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज़ का एक छोटा पीरियड होता है क्यों क्योंकि एक छोटे समय के लिए छोटा बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो आप पैसा गेन करने के लिए so last question we have discussed the relation and difference between large and small enterprises so firstly we discussed the relationship between small and large scale industries first is my competitiveness small- scale industries can't compete complete with large-scale industries in certain circumstances and in selected product only. इसमें बताया गया है कि एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम्पीट नहीं कर सकती बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से क्यों क्योंकि वो छोटी छोटी डिमांड से ही डील करती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं ओवरऑल डिमांड से डील करती है नेक्स्ट इसमें सप्लीमेंट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन फिल इन गैप्स बिटवीन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड आउटपुट कास्ड बाई लार्ज स्केल यूनिट दिस इज़ ड्यू टू दिस सप्लीमेंट्री रोल ऑफ इसमें बताया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं एक गैप फिल करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में और स्टैंडर्ड आउटपुट कास्ट में क्योंकि इसमें जो है एक प्रोडक्शन लेवल इमीडिएटली फुलफिल कर दिया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू क्योंकि छोटी डिमांड होगी तो जल्दी पूरी होगी अगर बड़ी होगी तो लार्ज स्केल को उसको पूरी करने में टाइम लगेगा नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन अ कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स लार्ज स्केल काउंटर पार्ट इन द रियल वर्ल्ड मैनी स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर लार्ज यूनिट्स इसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या है इन दोनों में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती है जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट होते हैं होलसेलर रिटेलर यूजर्स तो आजकल छोटे छोटे बिजनेस भी इनका यूज़ करना शुरू कर दिया है उन्होंने होलसेलर रिटेलर यूजर्स का ये क्या करते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे फाइनल यूजर्स तक नेक्स्ट है इसमें इनिशिएटिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट अट्रैक्टेड बाई द हाई प्रोफिट ऑफ लार्ज यूनिट्स इफ सिक्स इट द स्मॉल ग्रोस टू लार्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनिशिएटिव मतलब कि छोटे बिजनेस जो है ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल और छोटे छोटे बिजनेस जो है इसमें क्या करते हैं कि अगर वो डायरेक्ट जल्दी अपनी डिमांड फुलफिल करते हैं और प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो सक्सेस होकर कन्वर्ट uh, हो जाते हैं लार्ज स्केल पर नेक्स्ट है इसमें सर्विसिंग Small scale do also install servicing and repairing shops for the product of large scale unit. मैनी स्मॉल फॉर्म्स हैव बीन assigned द जॉब ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स manufactured बाय large यूनिट्स सर्विसिंग क्या होती है इसमें कभी कभी जो लार्ज स्केल यूनिट्स होती हैं ये भी ऑर्डर्स देते हैं छोटे छोटे बिजनेस को इनसे भी काम लेते हैं और इनसे सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं टाइमली छोटे बिजनेसिस से लार्ज स्केल को तो डेफिनेटली एक इनका अच्छा रिलेशन बना रहता है नेक्स्ट इसमें जॉबिंग इन सम केसेस लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस प्रोवाइड मटेरियल एंड कंपोनेंट टू स्मॉल यूनिट्स द स्मॉल यूनिट्स प्रोसेस दिज मटेरियल्स एंड कंपोनेंट इनटू फिनिश पार्ट्स और सब असम्बलीज कभी कभी स्मॉल एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं मटेरियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे बिजनेसिस को इनको काम देते हैं इनको मटीरियल देते हैं और इनको जो भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करके छोटे बिजनेसिस को आगे उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेक्स्ट इसमें मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग मीन्स किसी चीज़ का व्यापार करना गुड्स एंड सर्विसेज बेचना या खरीदना सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू लार्ज स्केल यूनिट्स छोटे छोटे बिजनेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं थ्रू लार्ज स्केल यूनिट्स बड़े बड़े बिजनेस के थ्रू नेक्स्ट है इसमें एक्सलराइजेशन मनी लार्ज स्केल फॉर्म्स परचेज कंपोनेंट पार्ट्स एंड एसेसरीज फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़े बड़े बिजनेस भी जो हैं छोटी छोटी किसी भी कार असेसरीज या बाइक बाइक असेसरीज जो है छोटे छोटे बिजनेसेस से खरीद के आगे अपना जो है बिजनेस चलाती हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्टिंगशन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल स्केल ऑन्टरप्राइज रजिस्ट्रेशन में कहता है कि लार्ज स्केल में क्या होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है वो रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको पर्टिकुलर जो है लाइसेंस लेना ही पड़ता है गवर्नमेंट के अंडर जो है रजिस्टर्ड होना पड़ता है इन स्पेसीफी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है इनके इनके लिए कि आपने जो है गवर्नमेंट के अंडर होना ही होना है रजिस्टर्ड उसके बाद इन्हें लाइसेंस जो है इशूड होता है स्मॉल स्केल में कहता है कि इनको जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है रजिस्ट्रेशन की छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स के अंडर या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर इन्होंने रजिस्टर्ड होना होता है बट लार्ज स्केल ने गवर्नमेंट के अंडर ही रजिस्टर्ड होना होता है तो छोटे छोटे बिजनेस जो है यूनियन टेरिटरी के अंडर या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर जो है हो सकते हैं रजिस्टर्ड नेक्स्ट इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें कहता है कि गवर्नमेंट कैन इंटरवर्न इफ देयर हैड बीन अनजस्टिफेबल फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री हैड बी इंडस्ट्रिफेबल फॉल और देयर हैड बीन इनडस्ट्रीफेबल डेटोरेशन इन क्वालिटी और इंक्रीज इन प्राइस विदाउट जस्टिफिकेशन और काज सीरियस इंजोरी और डैमेज टू कस्टमर इसमें क्या होता है कि प्रॉपरली गर्मेंट जो है प्रोवाइड करती है अपने uh, एम्प्लॉयज़ को बड़े बड़े बिजनेस को कि इन केस आपके बिज़नेस के अंदर कोई कस्टमर को या किसी ऐसी एम्प्लॉज़ को सीरियस इंजरी हो जाती है तो उन्हें एक सिक्योरिटी मिलती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है लाइफ टाइम के लिए वहीं स्मॉल स्केल में कोई भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नहीं मिलती एम्प्लॉयज़ uh, को वर्कर्स को नेक्स्ट इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज uh, स्केल में डेफिनेटली आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ बताया गया है लिमिट फाइव करोड़ और स्मॉल स्केल में डेफिनेटली आपको कम ही uh, करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट इसमें मशीनरीज इक्विपमेंट्स जो हैं कम यूज़ होते हैं जैसे कि इन्होंने लिमिट बताई है वन करोड़ ऑनरशिप में बताया है कि लार्ज स्केल में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑनर ऑनर होता है ऑनरशिप करता है तो इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो कंपनी इन कंपनी के फॉर्म में ऑन्ड की जाती हैं और स्मॉल स्केल में जो है सॉल प्रोप्रेटरशिप या पार्टनरशिप में ऑन्ड की जाता है छोटे छोटे बिजनेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हाइयर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है लार्ज स्केल में तो स्मॉल स्केल की बात करें तो इसमें जो है आप लेस कैपिटल यूज़ करते हो और टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ करते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है डिमांड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इसमें लोकेशन इसमें जर्नली लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एरियाज़ का ही यूज़ किया जाता है मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरियाज़ का यूज़ किया जाता है वहीं बात करें स्मॉल स्केल ऑन्टरप्राइज की तो ये जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ही मैक्सिमम अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट लार्ज स्केल में बड़ा बिजनेस है तो डेफिनेटली ग्रेटर एक्सपोजर होगा प्रोफेशनलिस्ट होंगे एक्सपर्टाइज होंगे मैनेज करने के लिए वहीं स्मॉल स्केल की बात करें तो इसमें जो है अगर कोई पार्टनरशिप ऑन कर रहा है बिज़नेस को तो वही उनको मैनेज करेंगे मार्केटिंग में लार्ज uh, स्केल में कहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन uh, की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद आप फीडबैक भी लेते हो वहीं स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल की बात करें तो आपको लोकल पीपल्स की ही नीड्स को फुलफ़िल करना होता है वहाँ कोई भी प्रमोशन की या फिर आपको फ़ीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट इसमें स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन इसमें क्या है कि इसमें एक्सपर्टाइज होते हैं एक्सपीरियंस वर्कर्स होते हैं इंजीनियर्स होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वही स्मॉल स्केल की बात करें तो इसमें जो है स्पेशलाइजेशन uh, इसमें क्या है कि आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है और वर्कर्स की नीड पड़ती है इसमें तो वही जो है या ऑन्टप्रिनर इंडिविजुअल ही अपना बिजनेस ऑपरेट करके काम करके पैसा अर्न करता है वहीं लार्ज स्केल में ट्रेनिंग की बात कर बात करें तो वहाँ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं मॉडर्न मोड्स जो होते हैं मैनेज करने वाले वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज को स्मॉल स्केल में क्या होता है कि इंडिविजुअली या पार्टनरशिप ही वहाँ ओन कर रहा होता है अपने बिजनेस को वही आगे मोटिवेट करता है लास्ट वी हैव जस्ट्रेशन पीरियड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो होता है काफ़ी लंबा समय होता है लंबे समय के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है चलाई चलाई जाती हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी डिमांड्स इसमें फुलफ़िल की जाती हैं नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जाती हैं वही बा वही बात करें स्मॉल स्केल ऑन्टरप्राइज की स्मॉल स्केल ऑन्टरप्राइज जो होते हैं छोटे समय के लिए होते हैं कम समय के लिए होते हैं क्योंकि ये छोटे बिजनेसिस ऑपरेट किए होते हैं पैसा अर्न करने के लिए इंडिपेंडेंटली तो इसमें जो है छोटी छोटी डिमांड्स ही फुलफ़िल की जाती हैं सो so, Next, we discuss chapter number 13 in the next video lecture. Like have a nice day.